हमीरपुर से हैं ममता जी, स्वागत है आपका। जी बताइए अतीम जी मैम, से बात करवाई थी। कर लीजिए। जी ममता जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। जी नमस्ते हकीम जी। जी वो हमने मंगवाया था गोंसिया, हमारे पैरों में दर्द रहता है। पहले हमने जी नमस्ते सर जी, फोन पे बात करें जी ममता जी। जी वो हमने आपसे पहले तो हमने एस केयर खाते रहे, घुटनों में दर्द रहा हमारे। और इसके बाद दोस्त हमको 3 साल करीब हो गए तो आराम रहा है। और आराम इसके नहीं बाद है। फिर हम जी आराम रहा है, हो गया था अच्छा, तो इसके बाद हमने बंद कर दिया था। 3 महीना करीब हमने वो दवा खाई थी। फिर इसके बाद हमने अभी 1 महीना पहले फोन किया था तो आप ही के उसमें लाइन में वो गोंसिया भेजी थी, ठीक है। गोंसिया मंगवाई थी तो उसको हमने खाया। 1 महीना करीब हो रहे हैं खाते हुए, दर्द हो रहा पैरों में, घुटनों में, शरीर भारी पड़ रहता है और पेट में भी दिक्कत थोड़ा बहुत होती है कुछ है। ठीक जी। और आपसे एक सवाल और पूछना है आपसे, ये हमारे हस्बैंड हैं तो उनको लीवर में दिक्कत है, फैटी लीवर जो बोलते हैं, तो ठीक है। उनको फैटी लीवर हो गया है लेकिन कानपुर में जांच आज करवाया है तो इलाज तो हो गया है लेकिन और कोई उसमें दिक्कत तो नहीं होगी या कुछ ही उसके परहेज नियम, आप कुछ घरेलू उपाय बता दीजिए हमको। ठीक है ठीक है। जी तो देखिए, ये गौनसिया भी फायदा करता है और वो जो दवा आप खा रहे थे वो भी फायदा करती है। तो मेरे ख्याल से जो आप खाते थे वही खा लें और इसको ख़त्म कर लें। और पेट में कोई परेशानी हो तो एसिडिटी वगैरह की गोली ले सकते हैं साथ में इसके। और वही मेरी शर्त है कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ज़्यादा मेहनत नहीं करें। आपके पति के लिए देखिए, ये बहुत रोग चल रहा है, ठीक भी हो जाता है फिर बार बार होता है, तो उससे खबरदार रहें। एक बार हम इलाज करा लेते हैं और ये सोचते हैं ठीक हो गया, लेकिन वो बार बार होता है लीवर का मर्ज। तो मैंने बताया हुआ है आपको कि अलसी को हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, अलसी और धनिया का पाउडर 100-100 ग्राम मिश्रण कर लें इसका, और ये 1 चम्मच खाया करें दिन में एक बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले। और एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से लिया करें। तो ये बहुत बहुत सारे काम करता है। लीवर का तो ख्याल रखता ही है और फैटी लीवर वाले को बहुत फ़ायदा होता है। और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन प्रॉब्लम, खुजली या मुहासे पिंपल्स निकलते हैं, इन सब में फ़ायदेमंद है। आप अपने पति को दिन में 1 बार या 2 बार दिया करें और आपकी एसिडिटी में भी ये काम आ सकता है।